तो बात शुरू हुई थी अपने दोस्त के साथ बिरयानी खाने के बाद। अच्छा, पर ये बिरयानी टीवीएस राइडर की किस्म में थी, मतलब कुछ भी। तो मैं सुनाता हूँ एकता बर्थडे की अजीब दास्तान। भाई मजा आया। तो वैसे बात कुछ इस प्रकार की थी कि बर्थडे बॉय यानी बिग बनिया को मैं अपने साथ ले जा रहा था और गाड़ी हमारी थी डिस्चार्ज। और क्या ही करें, गलती तो है। तो गाइस ये गाड़ी भी तो बिग बनिया की थी, इसलिए गाड़ी की बैटरी को धुएं में बदलने से रोकना होगा, तो इसको ठंडा करते हैं और रोक। अरे कहना क्या चाहते हो। तो गाइस मौसम ने हमारी बात को दिल से लगा लिया और गाड़ी के साथ हमारे केक को भी पानी में बहाने की कोशिश की। चाहे गाइस कितनी भी तेज बारिश हो जाए, केक की सांसों को बरकरार रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो गाइस पार्टी नहीं मिलेगी। इसलिए साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर गाइस बिग बनिया की गाड़ी ने मेरे रिस्पेक्ट को रखते हुए हमारे केक को तो बचा लिया, फिर हम भीगते भीगते निकल जाते हैं इसके घर। क्योंकि गाइस केक वाले को कुछ पैसे कम देने के चक्कर में उसने नाइफ ही नहीं रखा गाइस। जैसे तैसे गाइस के घर वालों ने नाइफ की जुगाड़ तो करती थी, पर गाइस केक मिलने की संभावना बहुत कम लग रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू करने के बाद अजीब गरीब शास्त्री का फोन आता है कि उसका पेट्रोल खत्म हो गया। तो गाइस भरी बारिश में हम पेट्रोल देने जाते हैं उसको। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो। अगर इस बारिश में मैंने और ब्लॉग बनाया तो गाइस मेरे मोबाइल को दम तोड़ने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। शास्त्री को पेट्रोल देने के बाद वो अपनी वेशभूषा को चेंज करने के बाद मेरे घर आता है अपनी स्कूटी को लेकर। A few moments later. फिर उस सस्ते बर्थडे को मनाने के बाद हम दोबारा से प्रक्रिया VIP बर्थडे बनाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं और सब सामान ले आते हैं बर्थडे वाला। फिर उसके बाद में इसके लिए गाइस माला वगैरह ले जाने चले जाते हैं। माल की दे रहे। इन बाबू भैया के दिल को ना दुखाते हुए हम एक माल ले लेते हैं और अभिषेक के घर चले जाते हैं, यानी बिग बनिया के घर। शास्त्री के जन्मोत्सव मनाने के पीछे कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए फूलों का तारा को बजाकर हम अभी से कटवाई देते हैं। रिलैक्स गाइस, अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग ना करें। यहाँ पर जीते जागते केक की बात हो रही है, तो गाइस केक कटवाते हैं और स्प्रेबाजी करते हैं। चलो फिर क्या, हमने देशी विदेशी चार बम चलाने के बाद अभिषेक की कॉलोनी का यह माहौल हुआ देख सकते हो। जनता माफ नहीं करेगी। गाइस जनता को तो माफ करना पड़ेगा क्योंकि भाई का बर्थडे है। तो गाइस इस माहौल को बनाने के बाद हम अब अभिषेक को हलाल करने के लिए ले जाते हैं। तो गाइस अभिषेक का कटेगा, यानी बिग बनिया का लंबा ही कटेगा, क्या जेब कुछ और नहीं है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को बिग बनिया पर रेम ना करते हुए इस बारिश को ना देखते हुए हम चले ही जाते हैं खाने के लिए। क्या खाना, तो चलो चलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हैं। जैसे तैसे करके हमको एक ढाबा मिलता है, तो गाइस हम ढाबा पे पहुंच जाते हैं। तो गाइस इसके बाद ना हमको दिखाने में मजा आएगा ना आपको देखने में, तो आप रावड़ी राठौड़ देखिए और हम देखते हैं पार्टी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं। तो मैंने और शास्त्री ने सस्ते में निपटते हुए एक ग्लास जूस के साथ अपनी संतुष्टि को पूरे करते हुए अब करते हैं समाप्त इस वीडियो।